नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में। मैं प्रवीण शर्मा, जीएसटी एक्सपर्ट, आपको ये बताना चाहूँगा कि टर्नओवर की इम्पोर्टेंस जीएसटी के लिए क्यों ज़रूरी है। आप देखते हैं कि और देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और एवरी टर्न अराउंड के अंदर बताया जा रहा है कि जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें अपना ऑडिट कराना ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंट की तरफ से क्लेरिफाई किया गया है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, इसका मतलब 2 करोड़ का भी टर्नओवर आपका है, तो आपको ऑडिट और अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये पहले 2 सालों के लिए है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड फाइनेंशियल ईयर 2018-19 ऑनवर्ड्स। लेट्स सी कि डिपार्टमेंट का वे उस तरफ क्या होगा। पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहले 2 सालों से रिलेटेड कि अगर आपका टर्नओवर, आपके बिजनेस का टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तभी जीएसटी ऑडिट फाइल करना है। बट उसके लिए पेज है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है? बहुत सारी कंफ्यूजिंग है मार्केट में कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर हम क्या लें। एक एग्जांपल के केसेस से हम डिस्कस करते हैं। एक पेट्रोल पंप वाला है जिसका टर्नओवर उस पेट्रोल से रिलेटेड आपका मान लीजिए 2.5 करोड़ का टर्नओवर है, बट उसका लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो सेल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो सेल है, लेट्स से वो 50,000 है और पेट्रोल की सेल है वो 1.90 करोड़ है। अगर मान लीजिए ये दोनों ही टर्नओवर क्रॉस होती है 2 करोड़ से ज़्यादा, तो क्या उसका ऑडिट होना ज़रूरी है या नहीं? एग्रीगेट टर्नओवर पे पहुँचते हैं। सेक्शन 2 जो डेफिनेशन कहता है सीजीएसटी एक्ट के अंदर, कहता है कि एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स टैक्सेबल सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स लगता है, प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाई जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, प्लस निल रेटेड सप्लाई जिसके ऊपर निल रेट ऑफ ड्यूटी है, प्लस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सक्लूडिंग रिवर्स चार्ज। साथ के साथ नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी यहाँ पे आती है, जैसे कि लीकर हो गया, पेट्रोल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी सप्लाई अगर आपकी 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, यहाँ तक कि जो इंटरेस्ट ऑन FD है, इंटरेस्ट लेना, आपका इंटरेस्ट लेना एग्जाम फ्रॉम टैक्स है एज पर द नोटिफिकेशन, बट क्या ये टर्नओवर में काउंट होगा? जी हाँ, ये टर्नओवर में काउंट होगा। पेट्रोल भी टर्नओवर में काउंट होगा, लीकर भी टर्नओवर में काउंट होगा। ये सारी टर्नओवर एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे वो नॉन जीएसटी सप्लाई हो, ये सारी टर्नओवर में काउंट होगा। और अगर ये टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तभी जीएसटी ऑडिट होगा। अगर जीएसटी ऑडिट नहीं होता तो दोस्तों पेनल्टी लग सकती है 50,000 तक की। यहां तक कि अगर मैं फ्यूचर की भी बात करूं तो डिपार्टमेंट इसका इसमें वे क्या होगा कि अगर माइनर ब्रीच रहता है कि अगर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भी दिया जा सकता है, उस केसेस में ये पेनल्टी वेव ऑफ भी करी जा सकती है। पर ध्यान रहे, आपकी पेनल्टी इसमें ना लगे, इसलिए बेहतर तो ये होगा कि सबसे पहले आप अपने बिजनेस का टर्नओवर चेक करें। टर्नओवर चेक करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएसटी ऑडिट के लिए। अगर ये टर्नओवर आपका क्रॉस होता है 2 करोड़ से ज़्यादा तभी जीएसटी ऑडिट होगा। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजिंग इन रिलेशन टू द टर्नओवर और जीएसटी ऑडिट किसका होगा नहीं होगा, एनुअल रिटर्न किसका फाइल होगा नहीं होगा, तो इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजिंग और क्वेरी यू कैन आस्क विद इन आवर वीडियो। नीचे आप ड्रॉपलाइन मेनू में अपना कमेंट दे सकते हैं, मैं खुद प्रवीण शर्मा और हमारी टीम की तरफ से आपको रिप्लाई इस केसेस में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।